शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि अभाव यानी कि स्कार्सिटी में काम सबसे अच्छा निकलकर बाहर आता है। जब किसी को हद से ज्यादा पैसे मिल जाते हैं तो जिस चीज पर सबसे पहले मार पड़ती है वो होती है क्रिएटिविटी। फैंटम की फिल्मों को लोगों ने हमेशा से ही सर आंखों पर बिठा कर रखा है। देश विदेश के फिल्म फेस्टिवल्स में इनकी फिल्मों का प्रेजेंस हमेशा बना रहता है। लेकिन गौर करने लायक बात यह है कि ये वो फिल्म होती है जिनका बजट काफी कम रहता है, लेकिन जब बाहर के प्रोडक्शन हाउसेस का पैसा इनकी फिल्मों के अंदर पंप होने लगता है तो उसको देखकर यही लगता है कि बाहर के पैसों को संभालने की काबिलियत इनके अंदर है ही नहीं। शानदार इसका एक शानदार नमूना है। बॉम्बे वेलवेट के बाद अब शानदार। आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर पढ़ लीजिए कि क्वीन कैसे बनी थी। फिल्म की यूनिट के पास पेरिस और एम्स्टर्डम में शूट करने के लिए पैसे नहीं थे। वो तो शुक्र था वायकॉम 18 का कि उन्होंने आखिरी मोमेंट पर उनके अकाउंट में पैसे डाल दिए थे, जिसकी वजह से शूटिंग संभव हो पाई थी। कंगना अपना मेकअप और कपड़े राह चलते रेस्टोरेंट में चेंज करती थी, यानी कि पूरी फिल्म यूनिट के अंदर कुछ जज्बा था कर दिखाने का, और ये जज्बा आगे चलकर रंग लाया था। लेकिन शानदार में उनके पास करण जौहर के पैसे थे, फॉक्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था, यानी कि किसी बात की कोई कमी नहीं थी। अगर किसी चीज की कमी थी तो वो थी एक शानदार स्क्रिप्ट। विकास बहल के पास इतने शानदार कलाकार थे अपनी फिल्म के लिए, लेकिन अगर इनमें से कोई चीज मिसिंग थी तो वो थी एक ढंग की स्क्रिप्ट। फैंटम के लोग वर्ल्ड सिनेमा देखने का काफी शौक रखते हैं, लेकिन एमिर कुस्तुरिका की फिल्मों को अभी एक्सेप्ट करने के लिए देश तैयार नहीं है। विकास साहब, शाहिद, आलिया भट्ट और पंकज कपूर, इन सभी का काम फिल्म में बहुत अच्छा है, लेकिन आइसोलेशन में। विकास बहल की फिल्म की स्क्रिप्ट ही ऐसी है कि इसको शानदार एक्टिंग भी नहीं बचा सकता है। शानदार की कहानी आलिया भट्ट और शाहिद कपूर के बारे में, जो इंसोम्निक है और रात में इनको नींद नहीं आती है। शाहिद कपूर एक वेडिंग प्लानर है और उनको हायर किया जाता है सना कपूर की शादी के लिए, जो पंकज कपूर की बेटी बनी है फिल्म में। शादी दो रईस खानदानों के बीच में है जो अब बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, और दोनों ही खानदान अपनी माली हालत सुधारना चाहते हैं। अब शादी है तो यॉर्कशायर के कमाल के कैसल्स तो दिखाने ही पड़ेंगे। डेस्टिनेशन वेडिंग है तो कुछ एक गेम्स, स्काई डाइविंग, इन सभी चीजों को शामिल करना ही पड़ेगा। दूसरे शब्दों में विकास ने ये बात कहने की कोशिश की है कि भाई, इस बार मुझे अपनी फिल्म को बनाने के लिए बहुत पैसे मिले हैं। यहाँ पर मैं खास मेंशन करूंगा संजय कपूर के बारे में। इतनी वाहियात एक्टिंग मैंने सालों के बाद देखी है। अगर उनके बदले फिल्म में जावेद जाफरी या चंकी पांडे होते तो फिल्म का समा कुछ और हो सकता था। शानदार में विकास बहल ने कुछ चीजों पर कमेंट करने की कोशिश भी की है। फिल्म के क्लाइमैक्स पे जब सना कपूर शादी के मंडप में अपने कपड़े उतारने लगती है तो उसको देखकर ये लगता है कि क्या इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता था वुमन एम्पावरमेंट पर स्टेटमेंट देने के लिए। पंकज कपूर अपनी पत्नी और माँ के सामने इतने बेबस नजर क्यों आते हैं? और शाहिद कपूर एक कमाल के डांसर है, उसी फ्रेम में 25 और डांसर्स को डालने की क्या जरूरत थी विकास को? शानदार क्वीन के बाद बहुत ही बड़ा लेटडाउन है। और सबसे बड़ी बात, आलिया और शाहिद का फिल्म में ऐसा क्या रोल है जिसको देखकर ये लगे कि ये दोनों ही फिल्म के लीड एक्टर्स हैं? आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये फिल्म 1.5 स्टार से ज्यादा डिजर्व नहीं करती है। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म जगत के लोग बहुत बड़े अंधविश्वासी होते हैं। इसके पहले दो शानदार और बन चुकी है। पहली शानदार में संजीव कुमार थे और दूसरी में मिथुन दा थे, और इन दोनों ही फिल्मों का हाल बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बुरा रहा था। काश विकास बहल थोड़े बहुत अंधविश्वासी होते